खबर हनुमानगढ़ से, जहां बिजली विभाग के JN के वेतन और ACP विसंगति दूर करने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि उनके मांगों को नहीं माने जाने से परेशान होकर अब वे 13 जून को जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान बिजली निगमों में कार्यरत JEN की वेतन और ACP विसंगति दूर करने वाली मांग 150वीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आदेश पे लागू नहीं होने से परेशान JEN ने जयपुर में 13 जून से महापड़ाव डालने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। कनिष्ठ अभियंता ने बोला कि हमारे संगठन ने 3 मार्च 2022 को जयपुर में एक दिवसीय धरने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के साथ हुई वार्ता में उनके द्वारा हमारी वेतन विसंगति को अति शीघ्र ही सही करवाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु आज तक कोई आदेश लागू नहीं हो पाया है। कई बार निगम प्रशासन और 25 मई को बिजली विभाग के सभी आला अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं से अवगत कराया गया, परंतु प्रत्येक बार निगम प्रशासन और सरकार द्वारा हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और झूठा आश्वासन दिया गया। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंता 26 मई से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, परंतु ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार की तरफ से आदेश नहीं जारी हो रहा है। इस मौके पर अमनदीप सिंह, बनवारी लाल, विकास कुमार, महेंद्र परनामी, जसराम चौहान, संदीप सहारन, प्रियंका, मीनू शर्मा सहित अन्य कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। जी बताइए, हमारे विद्युत विभाग के सभी कनिष्ठ अभियंतागण जो कि बहुत समय से वित्तीय विसंगति के शिकार हो रखे हैं, उसकी समस्याओं को लगातार सरकार के सामने बार बार रखा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो अधिकार हैं हमें अभी तक नहीं मिले। तो इस संबंध में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को एक विज्ञापन हमने सौंपा है, जिसमें हमारी जो वेतन विसंगति के और हमारे जो टाइम बाउंड ACP की जो भी हमारी मांगे हैं उसके रिगार्डिंग हमने उनसे मांग की है। अब आज जितने भी हम कनिष्ठ अभियंता है विद्युत विभाग के हैं वो पीड़ा झेलते हुए आज इस मौके पर एकत्रित होकर एक सूत्र में हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो वाजिब मांगे हैं वो हमें दी जावे, जो कि ACP जो हमारे 185वीं कोऑर्डिनेट कमेटी के द्वारा जो पहले प्रस्ताव पारित हो चुके हैं उनके आधार पर ही हमें ACP दी जावे। उसके अलावा जो हमारा 4800 ग्रेड पे जो कि पुरानी टाइम बाउंड जो पुरानी जितनी भी टेक्निक्स थी उनके अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो दी जावे। इस संबंध में राजस्थान व्यापी सभी कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग के 5 इकाइयों के मिलकर 13 तारीख को जोधपुर में और जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसके संबंध में हमने पूर्व में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को आज सौंपा है, तो हम यही अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पीड़ा की सुने और यथासंभव जो भी प्रयास हो वो कर सके ताकि हमारी जो पीड़ा दूर हो और सभी कनिष्ठ अभियंताओं के मन में सरकार के प्रति मन में रोष व्याप्त जो है वो दूर हो सके। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण सब डिवीजन से हूँ और जो जितने भी कनिष्ठ अभियंता आज इकट्ठे हुए हैं ये सभी विद्युत विभाग के सभी माननीय कनिष्ठ अभियंता गण मौके पर जय एकता जिंदाबाद जय एकता।